December 2018, the scientists have discovered the fact that dark energy and dark matter, both together, they form 95% of the whole universe, and they discovered that it is this matter is liquid-like and it has negative mass. Negative mass in the sense that if we push this matter, it is drawn towards the person who is pushing it, and vice versa. Means its properties is just contrary to the normal object which has the positive mass. Now I would like to ask Sharma ji about this dark energy and dark matter which has negative mass in the context of yogic science. Sharma ji, what is this dark energy or dark matter which has negative mass? What is it in the yogic science? योगिक साइंस के आधार पर अगर हम ये देखें कि इस ब्रह्मांड में जो डार्क एनर्जी जिसे आपने कहा है वो एक जिसे हम बहुत पहले से ये जीवात्मा कह रहे हैं और उसमें उसे नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक स्थिति में पहले ही बता चुका हूँ तो वो उसमें उसकी जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है और चतुर्भुजाकार में उसकी तीन भुजाओं में लिक्विड जिसे आप लिक्विड भरा हुआ है और चौथी भुजा में भी उसकी लिक्विड है मगर उसमें कुछ प्रतिशत जो है लिक्विड नहीं है जहाँ रिक्त है तो रिक्त में वो लिक्विड जब धीरे धीरे करके फूल करके और जाता है और बाहरी अपने बाहरी आकृति से उसका मिलन होता है लिक्विड का तो वो उसके साथ चिपक जाता है मगर जब चिपक जाता है तो चिपकने के बाद जब अंदर में उसके अंदर सिकुड़ाव खिंचाव होता है तो वो एक झटके से अपनी ओर आता है और अपनी पुनः स्थिति में आता है तो जो नेगेटिव मास है जिसे बताया जा रहा है तो वो नेगेटिव जो जीवात्मा है और जो नेगेटिव मास है जिसे साइंटिस्ट नेगेटिव बोलते हैं नेगेटिव मास बता रहे हैं वो झटके से नेगेटिव होने की वजह से वो दूसरी तरफ जाओगे उधर तरफ कोई चीज पुश करो तो वो खींच करके अपनी तरफ झटके से हमारी तरफ ही आती है अगर हम लिक्विड की तरफ से देखें तो मतलब कि जो जीवात्माएं हैं इस ब्रह्मांड में ठीक है वो डार्क मैटर है एक्चुअली हाँ वो डार्क डार्क मैटर है डार्क मैटर और इसलिए इसकी जो आपने प्रॉपर्टी बताई जो क्वालिटी बताई खिंचाव की और सिकुड़ाव की हाँ, वो उसकी क्वालिटी है वो उसकी और इस क्वालिटी के वजह से जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि इसका नेगेटिव मास होता है हाँ ये नेगेटिव ठीक है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है बहुत इसलिए वो पकड़ में नहीं आती वो पकड़ में नहीं है ना तो ये अननोन एनर्जी है डार्क एनर्जी एनर्जी है इसमें इसमें जो नेगेटिव चीज वो जो बता रहे हैं फेंकने की और खींचने की वो ये सिस्टम है उसका जो रिक्त स्थान है वहां पर एक जब चिपक करके छूटती है तो वो अपने ओर ही आती है वो अपने ही पुनः पोजिशन पे आती है और रिक्त को छोड़ करके पूरा वापस उसी पे आती है तो हमारी ओर ही आ जाती है तो जहां से गई थी वहीं पर वापस आ जाती है वो तो वो ये उसका एक नेगेटिव का ये प्रोसेस है तो जो ये प्रोसेस नेगेटिव का है ये लगातार उसमें एक स्लो गति में चल रहा है तो जो स्लो गति में चल रहा है इसको कहें तो ये ठीक है और वो जो 95% बता रहे हैं तो मेरे इस भी कैलकुलेशन से सही है कि एक इसका एक भाग अगर देखा जाए तो उसके 95% अगर तीन भुजाओं में भरा है तो थी या पांच स्थिति उसकी निकाल दी जाए तो 95 है पांच स्थिति इसकी है तो इसकी जो पांचों स्थिति को अगर हम जोड़ लें तो फिर 95% जो है वो डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड में है अगर वो आपकी पकड़ में नहीं आ रही है मगर हमें ये एनर्जी दिखाई दे रही है ये एनर्जी हमको क्या किस तरीके से कार्य कर रही है ये चीज मुझे पता चल रही है हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो डार्क एनर्जी है जितना भी डार्क मैटर है वो सारे जीवात्माएं हैं हाँ, जीवात्मा। सारे जीवात्माएं हैं ठीक है और उनमें से सिर्फ 5% जीवात्माएं मिलके ठीक है आकार में आ रही हैं पूरा जगत रच रही है हाँ, जगत सिर्फ 5% जीवात्माएं मिलके पूरे जगत का निर्माण अगर हम और 95% हैं
ठीक है, वो उस डार्क में ही है, वो मतलब कि वो अननोन है, वो सूक्ष्म में है, डार्क में वो सूक्ष्म के अंदर ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको हम इस तरीके से इस तरीके से भी आप इसको योगिक साइंस में आप इसे देख सकते हो, कह सकते हो, क्योंकि योगिक साइंस जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो साइंस, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं शायद हमारा ख्याल है उससे आगे की तरफ जा रही है। ये योगिक एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें हर चीज दिखाई देती रहती है। ओके, सो इट मीन्स द जीवात्मा, दिस यूनिवर्स कंटेन्स सो मेनी जीवात्मास। ओके, सो जीवात्मा इज नेगेटिव एनर्जी और इट हैज नेगेटिव मास, ओके, फ्रॉम द योगिक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? एंड द एनर्जी ऑफ द कॉन्शियसनेस इज परमात्मा, ओके, एंड द होल यूनिवर्स, द होल ब्रह्मांड इज आत्मा, एंड द जीवात्मास आर द नेगेटिव एनर्जी और डार्क एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। क्लैरिफाई दिस थिंग वंस मोर। The jivatmas, which is explained by Sharma ji just now, it forms the negative energy or negative mass, and everything is being created out of this negative energy, okay, which is jivatma. And this jivatma, this negative energy, it accounts for 95%, which is unknown, and only 5% of this jivatma or negative energy is being formed, and it is coming into being, and it is forming the whole universe, the whole Brahmand, right? And the energy of the consciousness, which is called positive energy, right? In the yogic science term, it is called the positive energy. You can say proton also, right? And the jivatmas are working under the atma, which is the neutral energy, right? So within the neutral energy, there are negative mass or negative energies in the form of jivatmas, and out of these jivatmas, the whatever is being created, it is being created out of these jivatmas, right? So with the help of positive energy and jivatmas, everything is being created in the universe. Thank you.